नमस्कार, आप देख रहे हैं बिरा 24 न्यूज में आपके साथ सोनू। अब बात करते हैं सतना की, जहां 6 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म की बड़ी वारदात हुई। घटना शहर के कुलगवा थाना क्षेत्र के नई बस्ती इलाके की बताई जा रही है। इस घटना के आरोपी नाबालिग 16 वर्षीय लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मासूम बच्चे को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मासूम की हालत गंभीर होने पर उसे रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सतना जिले में एक बार फिर दुष्कर्म की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ पड़ोस के रहने वाले नाबालिग लड़के ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल यह घटना शहर के कुलगवा थाना क्षेत्र के नई बस्ती इलाके की है, जहां 6 वर्षीय मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोस के रहने वाले करीब 16 वर्षीय युवक ने बच्ची को पकड़कर अपने साथ ले गया और घर के पास बनी दुकान पर ही मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद वहां से भाग निकला। मासूम बच्ची जब अपने घर पहुंची तो उसकी हालत गंभीर थी। उसने रोते हुए पूरी दास्तां अपने माता पिता को बताई। मासूम बच्ची के साथ हुई घटना को सुनकर माता पिता के होश उड़ गए। उसके बाद मासूम बच्ची के माता पिता और परिजन सहित घटना की शिकायत कुलगवा थाने पहुंचकर दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मासूम बच्ची को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मासूम बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे रीवा संजय गांधी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और चंद घंटों के अंदर ही पुलिस ने नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस बारे में सतना पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि यह घटना दोपहर की 6 वर्ष की मासूम बच्ची को लेकर उनके परिजनों ने थाने पहुंचकर दुष्कर्म की घटना दर्ज कराई है। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है। मासूम बच्ची को उपचार के लिए रीवा संजय गांधी मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उसका उपचार किया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। विराट 24 के लिए सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। उनके लिए बहुत इतना अपने आप को संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम सब लोगों ने उनको आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, बच्ची का बेहतर और अच्छे से अच्छा इलाज होगा, रीवा मेडिकल कॉलेज में होगा। अगर वहाँ के डॉक्टरों के कंट्रोल से बाहर है तो उसे जबलपुर या नागपुर जहाँ भी वहाँ भेजा जाएगा। और हम लोग सब इस घटना से थोड़ा मतलब अपने आप को बड़ा दुख व्यक्त कर रहे हैं और आरोपी गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ टीआई साहब ने बताया कि आरोपी गिरफ्तारी हो चुकी है और मैं तो पुलिस प्रशासन टीआई साहब से ये भी बोला हूँ कि किसी भी प्रकार का, क्योंकि कई बार कई तरह की बातें आती हैं, टीआई साहब बोला कि बहुत निष्पक्ष रूप से अच्छे से अच्छा एफआईआर वगैरह भी दर्ज करिए। सब मतलब पूरे घटना को न्याय होना चाहिए और पीड़ित पक्ष के साथ, पीड़ित बच्ची के साथ जो एक उम्मीद होती है, मतलब अपराधी को बख्शा नहीं जाए। अपराधी के पक्ष में कितना भी बड़ा से बड़ा दबाव आए, उस दबाव के आगे भी प्रशासन को किसी प्रकार से कोई कम्प्रोमाइज समझौता नहीं करना है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि पुलिस प्रशासन जिस ढंग की कार्रवाई कर रहा है, जिला प्रशासन जितना सक्रिय है, माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ऐसे मामलों में कठोर से कठोर कदम उठाते हैं और बच्ची के साथ न्याय होगा, उस पीड़ित परिवार में सब परिवार के साथ न्याय होगा। एक 6 साल की बच्ची है, उसके दादाजी ने आकर के बताया कि उसके साथ में गलत काम हुआ है। तत्काल जो है उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई है और जो आरोपी है वो भी नाबालिग है, उसको भी पुलिस ने अभी अपनी अपेक्षा में ले लिया है। लड़की की कंडीशन स्टेबल है, खतरे से पूर्णतः बाहर है, परंतु फिर भी एहतियातन के तौर पर डॉक्टर्स के द्वारा उसको SGMH रीवा के लिए रेफ़र किया गया है, जहाँ पर कि आगे का इलाज किया गया है।